हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और पहले से मैं थोड़ा सा बेटर हूँ और आज मुझे हो गया 7 बजे और अभी मैं हूँ पॉकेट में और अभी जा रहे हैं, जो रह गया है काम अधूरा उसे पूरा करने के लिए, तो मसाज सेंटर लेते हैं आज हम थाई मसाज का मज़ा। अभी एक दिन पहले भी लिया था, आज दोबारा जा रहा हूँ। उस दिन मैंने पे किए थे 500 बाद, आज देखते हैं कितने में मिलता है। इसी शॉप पर जा रहा हूँ जहाँ से मैंने लिया था पहले, इस बार देखते हैं वो डिस्काउंट करते हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब गया था मैं रात के टाइम, वही 2 बजे के आसपास समथिंग, तब मैंने लिया था। मैंने कहा थाईलैंड यार पिछले बार छूट गया था मसाज, इस बार तो बनता ही है। और भी चीज़ें हैं जो अभी, जैसे कि सी फूड था उसकी भी मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया हमने, वीडियो बन गया भैया उसका भी, तो हमने पता नहीं तबीयत ऐसे कब तक ख़राब रहेगी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं भाई क्या रेट मानती कि नहीं मानती हैं और उसी रेट में मिलता है कि नहीं। आपको दिखाएंगे कौन सी शॉप है, कहाँ पर है और अच्छे रेट में अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है, देखते हैं भाई। तो इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा भाई साहब, हैं, जैसे नेपाल वाली सीरीज़ को दिया था आप लोगों ने। तो चलते हैं और देखते हैं मसाज है या कुछ और है, हैं। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कहीं ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि मसाज पूरा मिलता है जितना टाइमिंग है, या उसमें स्कैम होता है क्या सिस्टम है। उस दिन तो मुझे पूरा वो मिला था। थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, समुंदर पटन बीच का भाई, ये बीच काफ़ी फेमस है। ये भाई साहब देखो, ये अभी कुछ ओहो, ये बीच का नज़ारा है और इसी के जस्ट सामने पटन बीच के पास, ओहो बेबी कॉन्डम कॉन्डम, ये देखो भाई साहब कुछ ज़बरदस्त नज़ारा है। ये पटन बीच के बीचों बीच ये बना है, सेंटा क्लॉज आए थे चले गए, ये कुछ ज़बरदस्त वाला है। बारिश हल्का हल्का बारिश का वो हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही। चलो हम अपने काम पे ध्यान देते हैं और मसाज के लिए जो प्राइस है देखते भाई, मान जाएगी तो मान जाएगी और नहीं मानेगी तो फिर देखा जाएगा, बताते हैं भाई, ठीक है। बेबी कंडोम कंडोम लेते हैं मसाज, बेबी कंडोम कंडोम टैक्सी, नो ब्रो टैक्सी, देखते हैं भाई क्या सीन है। मसाज मसाज पहले बात करते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। यहाँ पर है कुछ मसाज का शॉप, कहाँ है भाई, तो भाई कुछ ज़बरदस्त वाला यहाँ पीने पाने का है सिस्टम, लड़की के साथ बैठ के देखते हैं। यहाँ पे मसाज मसाज कौन मसाज, फुट मसाज, फुट मसाज, फुट
कितना सर? या 1 hour 250 ऑयल मसाज 350 If oil massage 1 hour 350 baht whole body same relax. If Thai massage, put like this, whole body same 300 baht for 1 hour. Very good, I'm guaranteed. Oil massage. You want to do oil? Oil massage, 350 baht. 350 baht. Yeah, whole body same, put oil. If oil, excuse me, like this, do like this, say moon body, but Thai, Thai cut like this. Is foot massage? 250 baht. 250? Yeah, for one. मसाज के लिए लेने के लिए सोचा, जो थाई मसाज है बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब, मज़ा आ गई। गए थे, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है वीडियो नहीं बना देते। अगर चोरी चुपके बना लो तो बना लो, मैंने थोड़ी क्लिप डाली है इसमें, देख लीजिएगा। और जो मसाज का चार्जेस है वो आपको बता देता हूँ, तो 400 बात लिए, मतलब पूरा मतलब ऑल टोटल ज़बरदस्त पूरा थाई मसाज फुल बॉडी वाला। वीडियो बनाना अलाउ नहीं यार, दिक्कत यही है। मैंने काफ़ी वो किया लेकिन मना कर दिया, यानी वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो दिक्कत यहाँ आए हैं। वो बहुत कम ही होते, तो बहुत जगह मैंने वो किया लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया उन्होंने। और मसाज बहुत बढ़िया गजब का है, और यही बंगला रोड के पास में है, और बंगला रोड के आगे तो बहुत महंगा है, लेकिन ये वाला जो है 7-Eleven के नज़दीक है और काफ़ी सस्ता है। तो ये मसाज भाई साहब मज़ा आ गया, पूरा पूरा बॉडी मतलब इतना पेन हो रहा था साला, बिल्कुल आराम मिल गया ये समझ लो। हमने लास्ट डे है तो मसाज तो लेना बनता ही है, अब मसाज लिए ना बिना तो जाएंगे नहीं।
बंगला रोड के पास ना महंगा पड़ता है, आउटसाइड थोड़ा सा लोगे ना तो उधर सस्ता पड़ जाएगा। और पहले से बात करके जाओ, और मसाज में जो जानते हो कि अंदर जाओगे जो आप डिमांड करोगे वो आपकी पूरी होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। हाँ, लेकिन ऐसी जगहों पे स्कैम भी बहुत होता है कि जैसे बाहर आपसे पे करा लिए, इसके बाद दोबारा पता लगे अंदर, फिर वो होता ना कि क्या कर सकते हो आप, पैसे दे दिए और नखड़े करेंगी वो, सुनेगी नहीं आपकी, उसको थाई आती है, वो थाई में बोलेगी आपको इंग्लिश आती है, आता है तो उसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बात करो, और अगर कितना बात करोगे यार, कितना बोलोगे, वो चली आएगी नीचे, क्योंकि कमरे में होता है ऊपर उनका प्राइवेट रूम होता है, उसमें होता है थाई मसाज। मैंने तो भाई करा लिया मसाज, और जो एक्सपीरियंस था वो बता रहा हूँ, बढ़िया एक्सपीरियंस था और अच्छा और बढ़िया लगा करने के बाद, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है, मसाज पार्लर में जो होता है उसमें बहुत ही सोच समझ के जाना चाहिए। अगर मसाज ही लेने जा रहे हैं आप, तो अगर कुछ और करने जा रहे हो तो भाई अपना अपने रिक्स पे जाना, क्यों रिक्स ऐसा कि भाई देखो इधर तो आप बात कर लोगे, रिसेप्शन पे दे दोगे 300 बात 400 बात जो भी है वो दे दोगे, अंदर जाने के बाद फिर आप कहोगे ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, जो मसाज करने वाला इंसान है वो तो फिर आपसे अपने हिसाब से डील करेगा, ठीक है, करवाना कराओ, नहीं कराना तो जाओ, आपके 300 बात भी गए वो, ठीक है, इसके बाद चले आओ मुँह लटकाए हुए। तो भाई थोड़ा समझ के थाईली में मसाज कराओ, हम तो मसाज कराने गए थे, बढ़िया पूरा मज़ा लिया, अच्छे से रिलैक्स होके लेट गए, अच्छे से उन्होंने पूरा पैर आयर गर्दन अर्दन पूरा चिटकाया, हाथ हाथ मरोड़ दिया पूरा, मतलब पता नहीं क्या बनाए दे रही थी मेरे गोल गोल करके, लेकिन हाँ भाई अच्छा लगा, बढ़िया मसाज गजब का, सर्विस अच्छी है भाई ये तो कहेंगे, और करने वाले भी अच्छे लोग हैं, मतलब हेल्दी बढ़िया होता ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब ज़्यादा है तो फिर वो नहीं कर पाते, वैसे ये अच्छे लोग हैं, बढ़िया इन्होंने मसाज बढ़िया कराई, मज़ा आ गया, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक एक करो, और देखो दूसरा वीडियो और आएगा मसाज वाला, उसमें थोड़ा सा बनाया था मैंने, उसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। और अभी हम पटोंग बीच के पास बैठे हुए हैं, अब मेरा टाइम हो रहा है निकलने के लिए एयरपोर्ट, आज मेरा लास्ट डे है, फ्लाइट है मेरी, ये पटोंग बीच है, ये पूरा इलाका, और हमने कहा जाते जाते एक कॉफ़ी तो पी लें फिर जाएं, तो भैया कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया है और अब निकलने की तैयारी की जाए, क्योंकि 6 बज रहा है, एक घंटा पहुंचने में 7 बज जाएगा मान के चलो। लास्ट बस जो है वो अभी उसके बारे में बता देंगे, एयरपोर्ट यहाँ से किससे जाना, बाइक से जाना है या बस से जाना है, वो दूसरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जो जानकारी चाहिए मसाज पार्लर का नाम और लोकेशन डाल देंगे, जो बिल्कुल बंगला रोड से 10 मिनट की दूरी पे है, और बढ़िया मसाज देती भाई साहब, मज़ा आ जाएगा साला, ठीक है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वहाँ जाओ पैसे दो और थाई मसाज लेना, जो थाई मसाज होता ना वही लेना, और कोई मसाज नहीं लेना भाई, होना वही है, और कोई मसाज लो चाहे फुट ले हो चाहे ईट ले हो, बात वही है, फुट वाले मसाज में साला 300 बात क्यों दोगे यार, जब थाई मसाज में हमें पूरा बॉडी का रिलैक्स मिल रहा है बढ़िया कपड़े उतार के, हैं तो फिलहाल वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, आते हैं फिर मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो पर, ओके।